और बड़ी खबर यही है कि एक तरफ यूरोप से 5 महीने से रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, तो यहां दूसरी ओर अमेरिका और चीन की तनातनी का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर चिंताएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ताइवान पर चीन ने अब फाइनल वार्निंग दे दी है। और इस बार नैन्सी पेलोसी के दौरे पर चीन ने अमेरिका को सीधे अटैक की धमकी दी है। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? क्या नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट पर अमेरिका का रुख बदलेगा या अमेरिका सुपर पावर वाली हौस दिखाएगा? बाइडेन का आखिर प्लान है क्या? एक एक डिटेल होगी आपके सामने। इसके साथ ही दिखाएंगे चीन की जंगी तैयारी एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ और अपने एक्सपर्ट्स के साथ समझेंगे वैश्विक हालात का असर, आखिर इस तनातनी का असर क्या होने वाला है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत, जहां चीन की धमकी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, चीन की तरफ से वार्न कर दिया गया है। नैन्सी पेलोसी यूएस हाउस स्पीकर के प्लेन को फाइटर जेट ने स्कॉट किया तो इसे माना जाएगा हमला। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन की बहुत बड़ी वार्निंग। इसके बाद पीएलए के पास होगा विमान गिराने का पूरा अधिकार। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन की तरफ से वार्न कर दिया गया है। वार्निंग के बाद पेलोसी के विमान को गिरा सकते हैं हम, चीन ने ये दो टूक कहा। अमेरिकी फाइटर जेट्स पर भी चीन के हमले की जो धमकी है वो सामने आई है। बिल्कुल, तो देखिए चीन की धमकी लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल जो हम कर रहे हैं, हम अपने मेहमानों से भी कहेंगे आगे बढ़े और इस पर हम बातचीत भी करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेलोसी के इस विजिट से चीन को इतना डर क्या है? क्या वाकई में चीन को लगता है कि ये एक विजिट उसकी हार की तरह देखा जाएगा पूरी दुनिया में? ये बड़ी चिंता, और इसी चिंता को लेकर इतनी बड़ी चेतावनी चीन दे रहा है। अंजलि, बिल्कुल रवि, नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर के लगातार चीन की ओर से चेतावनी मिल रही है और अब नीचे जाकर बिग बॉल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आखिर क्यों इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर के। बताया जा रहा है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो 25 सालों में ये पहली बार होगा जब अमेरिका की ओर से कोई सांसद लेवल का नेता ताइवान का दौरा करेगा। इन हालातों के बीच जहां पर लगातार चीन की ओर से ताइवान को चेतावनी दी जा रही है, ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की जा रही है, भाई आपको हम समझाते हैं कि चीन ने नैन्सी पेलोसी के प्रस्तावित दौरे के बीच और क्या कुछ कहा है, कैसे चीन के सीधे जंग की धमकी चीन लगातार दे रहा है ताइवान को। देखिए एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब हम रखने वाले हैं इन्फॉर्मेशन वॉल पर। चीन की आर्मी ने किया है ऐलान कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर चीन ये कह रहा है कि अब हम वॉर के मूड में आ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएलए ने सोशल नेटवर्क पर डाला है मैसेज, गेट रेडी फॉर वॉर, वॉर की सीधी ये चेतावनी है। और 12 घंटे में ही पीएलए के सोशल मीडिया पोस्ट को 3 लाख सपोर्ट भी मिले हैं। अलग अलग तरीके के सर्वे भी इस बीच कराए जा रहे हैं। ताइवान को लेकर अमेरिकी मूव पर चीन अब और ज्यादा तल्ख हो गया है। चेतावनी से आप समझ सकते हैं उसकी तल्खी को। चीन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर आर पार के मूड में दिख रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि चीन ने कहा था कि अगर पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो अमेरिका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन इसे ताइवान को स्वतंत्र देश की मान्यता देने जैसा कदम मानता है और यही वजह है कि लगातार नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर के अमेरिका ने, जो बाइडेन ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है सुरभि। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बड़े सवाल ये है कि नैन्सी पेलोसी के प्रस्तावित ताइवान दौरे और चीन की प्रतिक्रिया को देखते हुए क्या सिचुएशन बनी हुई है, उन सवालों पर अब जरा गौर करते हैं। क्योंकि पेलोसी पर धर्म संकट में अब क्या यूएस यहां पर नजर आ रहा है? क्या नैन्सी पेलोसी का प्रस्तावित दौरा अमेरिका के गले की फांस बन चुका है? इस बीच पेलोसी का ये ताइवान दौरा अगर टला है तो क्या इसे अमेरिका की हार की तरह देखा जाएगा? हालांकि नैन्सी पेलोसी के विमान पर क्या वाकई चीन हमला कर सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस को लेकर अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट आया था। अगर चीन ने अब पेलोसी के विमान पर हमला किया भी है तो क्या अमेरिका चीन के बीच भी युद्ध शुरू हो जाएगा? इसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करेंगे। इस वक्त एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हमारे साथ है, कर्नल यूएस राठौर इस वक्त हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही कर्नल श्याम कुमार रिटायर्ड नेवल ऑफिसर भी हमारे साथ हैं। तिवारी सर, सबसे पहले आप ही से इसको लेकर शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि चीन की बौखलाहट अमेरिका के हर स्टेटमेंट पर देखते हैं, लेकिन उसका ताइवान को लेकर समर्थन और नैन्सी पेलोसी के दौरे पर यह कहना कि सिक्योरिटी रीजन ऐसे में हो सकते हैं कि मैं भी खुद इस दौरे के फेवर में नहीं हूं, लेकिन इस बीच चीन की यह धमकी, क्या स्थिति युद्ध की और है अब?
देखिए, अभी आपने कहा कि अमेरिका के गले का फांस बन गया है, इस पूरी बात से मैं सहमत हूँ। ये चीन ने जो स्टैंड लिया है, एक्चुअली पहले जो बाइडेन का ये 2 घंटे और 3 घंटे की जो टेलीफोन से बात किया था, इट वॉज ए इंडिकेशन कि अमेरिका खुद ही बैकस्पेड पर जा रहा है, चाइना डोमिनेट कर रहा है, चाइना का अपर हैंड है। अगर ये अपने जहाज लेके अपने बेलेस्क्यू को अगर भेजते हैं वहाँ पर, तो ये नहीं कि उसका अटैक करेगा, लेकिन उसके फाइटर एयरक्राफ्ट रास्ते में आके बाध्य करेंगे कि इनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वापस जाए। लेकिन अगर अमेरिका ने फिर भी ये दुस्साहस किया, तो ये इसका परिणाम आप लोग जो कह रहे हैं इसमें सहमत हूँ, हो सकता है। लेकिन यही है कि ये वॉर जो होगा अमेरिका और ताइवान के, अमेरिका और चाइना के बीच होगा। ताइवान का जहाँ तक सवाल है, लोगों की जो भी इंडिकेशन लिया गया है, वो नहीं चाहते हैं कि ताइवानी नहीं चाहते हैं कि हमें वॉर हो। और अमेरिका का जो बाइडेन का जो रोल है, जब से बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, अफगानिस्तान में भी उन्होंने अपनी मुँह की खाई है, रशिया में, यूक्रेन में भी अपनी मुँह की खाई है, चीन में भी मुंह की खा चुके हैं। अब उनकी भी पॉलिसी जो है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युटी की पॉलिसी है। तो ताइवान बहाना महज होगा, लेकिन जो असल फॉर होगा वो अमेरिका और चीन के बीच में नजर आएगा। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।